राष्ट्रीय महिला अधिवेशन के अंतर्गत सहभागिता करने आई प्रबुद्ध महिलाओं ने श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति का सम्मान किया। इस दौरान नवघोषित अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति के नेतृत्व करने वाले महिला संभाग की सदस्याओं की घोषणा भी की गई। भारत का हर हर गाँव में इस श्रमण संस्कृति महिला महासमिति अपने आप में गर्व महसूस करेगी, मस्तक उठाएंगे। अब जो अधिवेशन होंगे वो श्रमण संस्कृति महिला महासमिति के बैनर पे होंगे। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 18 अक्टूबर को महिला अधिवेशन में अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति भारत का गठन हुआ और नवीन नाम की घोषणा निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने की। आज यदि सबकी राय हो तो फिर मैं आशीर्वाद दूं कि इस संस्था के लिए आज के बाद इसमें श्रमण संस्कृति महिला महासमिति नाम जोड़ा जाता है। सभी लोग हाथ उठाएं। और अब ये नाम कभी नहीं बदला जाएगा, जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक श्रमण संस्थान रहेगा, तब तक ये नाम अमर रहेगा। महिला अधिवेशन की शुरुआत पीएनसी परिवार की तरफ से मंगलाचरण के साथ हुई। जयपुर के श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति भारत के गठन की सदस्यता पत्र का विमोचन प्रथम श्रेणी में बनी विशिष्ट शिरोमणि संरक्षिकाओं द्वारा किया गया। आरके मार्बल ग्रुप की श्राविका गौरव, श्रीमती सुशीला पाटनी आगरा के मोठिया परिवार से, श्रीमती उर्मिला मोठिया, ममता सोगानी पीएनसी परिवार से, माधवी बीणा बैनाड़ा, उषा जैन मार्चेंस, श्रीमती शीला जैन डोटिया और श्रीमती इंदुजी गांधी का सम्मान भी आयोजन के अंतर्गत हुआ। अधिवेशन के अंतर्गत निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के हाइकू प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। आयोजित हुए महिला अधिवेशन और नवीन नाम की घोषणा के बारे में कार्यक्रम संयोजक मनोज जैन बाकलीवाल ने कुछ इस प्रकार बताया। क्योंकि सांगानेर संस्थान के अंतर्गत अब बालिकाओं को भी पढ़ाया जा रहा है, अभी तक तो बालकों को पढ़ाया जाता था और जो बालिकाएं पढ़ गई हैं, स्नातक बन गई हैं, शास्त्री बन रही हैं, वो इस बार जब शास्त्रों के लिए गईं दशलक्षण में अनेक स्थानों पर तो बड़ी प्रशंसा हुई, तो उन बालिकाओं को देखभाल कौन करेगा। तब महाराज जी बोले ठीक है, मैं अब एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो माँ का काम करेगा और सब माओं को मैं संगठित करूंगा, क्योंकि उन माओं को ही दायित्व होगा इस बालिका संस्थान को आगे इनको अपनी छत्र छाया में लेने का। और इसी उस पर आज घोषणा की गई अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति संस्थान दिगंबर जैन महिला महासमिति के नाम से। राष्ट्रीय महिला अधिवेशन के अंतर्गत सहभागिता कर रही प्रबुद्ध महिलाओं ने श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति का पारंपरिक ढंग से स्वागत सम्मान किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।